नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इंडियन रेलवेज़ के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस रेलवे ब्रिज के बारे में सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड ऐसा ही कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। इसी के साथ में दोस्तों, अभी से कुछ ही देर बाद में मेरे दूसरे चैनल के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर पहुंचने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के टाइटल में ब्लू कलर में इंडियन इंफ्रा मैन करके जो लिंक है हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी, इसके ऊपर क्लिक कर आप लोग मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंजीखेद रेलवे ब्रिज जो है, ये हमारी इंडियन रेलवेज़ का पहला केबल स्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। बात करें हम लोग केबल स्टेट ब्रिजेस के बारे में, तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया के अंदर केबल स्टेट ब्रिज बन रहा हो। इंडिया के अंदर पहले भी केबल स्टेट ब्रिजेस जो हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्पेसिफिकली रेलवेज़ के लिए किसी केबल स्टेट ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है ये किया जा रहा है। बात करें हम लोग इस रेलवे ब्रिज के बारे में, तो इसको जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जो है इसके ऊपर बनाया जा रहा है और इसको स्पेसिफिकली जम्मू से रियासी वाला जो पार्ट है या फिर रियासी वाला जो सेक्शन है इससे कनेक्ट करने के लिए इस जो रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस अंजीखाद रेलवे ब्रिज को बनाया जा रहा है हमारी चेनाब नदी के ऊपर, तो इससे आप लोग मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, यानी कि हमारा जो चेनाब ब्रिज है वो अलग है और इसी के साथ में हमारा जो ये वाला ब्रिज है यानी कि अंजीखाद रेलवे ब्रिज है ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि हमारा जो चेनाब ब्रिज है वो एक आर्क ब्रिज है और इसी के साथ में हमारा ये जो अंजीखाद ब्रिज है ये रहेगा एक केबल स्टेट ब्रिज, तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है इसीलिए आप लोग इसको मिसअंडरस्टूड ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया इस चीज़ को। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों चेनाब नदी के बारे में, तो ये जो चेनाब नदी है ये शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से, इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर से पास होते हुए हमारे जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है यहाँ पर चली जाती है, और जब ये पास होती है जम्मू कश्मीर वाले रीजन से तब ये कटरा वाला जो पार्ट है और इसी के साथ में हमारा जो रियासी वाला पार्ट है इसको दो पार्ट में जो आप बोल सकते हैं डिवाइड करते हुए चली जाती है। और इस ब्रिज को यहाँ पर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है कटरा और इसी के साथ में रियासी वाले पार्ट में इसको एस्टैब्लिश किया जा सके और यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी को पहुँचाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये जो अंजीखाद रेलवे ब्रिज रहने वाला है ये हमारी इंडियन रेलवेज़ का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज रहने वाला है, तो आप सभी लोगों का मन में सवाल हो सकता है या फिर कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिरकार ये केबल स्टेट ब्रिज होते क्या हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक केबल स्टेट ब्रिज है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि केबल स्टेट ब्रिज जो रहता है इसमें एक या एक से ज़्यादा टावर्स जो हैं ये बनाए जाते हैं, इन टावर्स में से जो केबल्स हैं ये पास होती हुई निकलती हैं और ये जो डेक है इसको सपोर्ट करती हैं। अब डेक वही पार्ट है जहाँ से हमारी जो ट्रेन्स वगैरह हैं ये पास होकर जाएंगी, या फिर रोडवेज़ के केस में आप लोग बोल सकते हैं जहाँ से हमारे ट्रक्स वगैरह या कार वगैरह पास होकर जाती हैं उस पार्ट को ही आप लोग डेक जो है ये बोल सकते हैं, और डेक के ऊपर ही हमारे जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं ये बिछाए जाएंगे। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि इसमें खास बात क्या है, तो इस तरह के ब्रिजेस जो हैं ये उस जगह पर बनाए जाते हैं या फिर उस जगह पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल ब्रिजेस जो बनाना है ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो जियोलॉजिकल कंडीशन रहती हैं ये डेंजरस रहती हैं, टफ़ रहती हैं, ऐसी जगह पर इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन जो है ये किया जाता है। बात करें हम लोग इस ब्रिज के बारे में, तो दोस्तों इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो है ये कंसीडर किया जा रहा है और ये हमारे इंजीनियर्स के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्वल रहेगा अगर वो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर स्पेशल ये है कि यहाँ पर जब हैवी विंड्स चलती हैं, क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और तूफान वगैरह भी आता है, तब भी ये ब्रिज जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से यहाँ पर टिककर खड़े रहेगा, क्योंकि ये ब्रिज जो रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बात करें हम लोग स्पेसिफिकली इस अंजीखाद रेलवे ब्रिज के बारे में, तो ये जो अंजीखाद रेलवे ब्रिज रहने वाला है इसमें सिर्फ एक टावर का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई रहने वाली है तकरीबन 331 मीटर की, और यहाँ पर 96 केबल्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि डेक को सपोर्ट करने वाली हैं जहाँ पर से हमारी ट्रेन्स वगैरह जो हैं ये पास होकर निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई रहने वाली है 473.25 मीटर की, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि आधे किलोमीटर का ये ब्रिज रहने वाला है, और जियोलॉजी ऐसी है, इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा डेंजरस एरिया है कि ये आधे किलोमीटर का ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इस ब्रिज की कॉस्ट वगैरह के बारे में, तो अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन बताया ये जा रहा है कि 458 करोड़ रुपए जो हैं इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये पूरा होता है तब तक इसकी जो कॉस्ट है ये शायद थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है।
साथ ही साथ में दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ब्रिज को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो जो है ये हमारी रेलवे मिनिस्ट्री जो है इसने भी अपलोड करी थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोग देखिए। इसके बाद में आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इस रेलवे ब्रिज के बारे में। तो अब हम लोग इस वीडियो को प्ले करते हैं। Konkan Railway, on its mission to bring excellence to Indian railways, is constructing India's first cable stayed rail bridge, the magnificent Anji Bridge, which shall connect Katra and Riyasi under the USBRL project. Anji Bridge has a single pylon standing at a height of 331 meters above the riverbed. The main bridge having a length of 473.25 meters, ancillary viaduct with a length of 120 meters, the central embankment having a length of 94.25 meters, shall have a support of 96 cables designed to handle heavy storms or strong winds. The geology of the area is very complex with highly fractured and jointly cherty dolomite rock mass, slope debris material and steep slopes, making it impossible for an arch bridge to be constructed. Moreover, since the pylon had to be constructed on a vertical slope using micro piles of 40 meter depth all around the circumference of 20 meter well foundation, few unique techniques and equipments were used, namely jump shuttering and pump concreting arrangement was used to increase efficiency. Provide higher safety for workers and save the construction time by about 30%. Tower crane having a height of 205 meters with highest working range of 40 meters and highest load carrying capacity of 25 metric tons was used to transport construction material. The bridge will have integrated monitoring system by means of numerous sensors installed at various locations on the bridge, recording various critical parameters on real-time basics, helping to identify the structural health of the bridge all the time. With the best of technology and brilliance in engineering, Konkan Railway is always committed to work for a better, more connected and smarter India. Konkan Railway, we serve. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये इस ब्रिज के बारे में क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में दोस्तों ये ब्रिज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर हम लोगों को कनेक्ट करना है जम्मू कश्मीर के साथ में। वैसे तो बताया ये जा रहा है कि ये रेलवे लाइन जो है ये पूरी तरह से कम्प्लीट कर ली जाएगी आने वाले 2-3 साल के अंदर, जिसके बाद में हम लोग डायरेक्टली कश्मीर वैली तक जा पाएंगे ट्रेन से। और ट्रेन कश्मीर वैली तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोगों को वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको बूस्ट करना है, वहाँ पर बिजनेसेस जो हैं उनको बूस्ट करना है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए ज़्यादा अच्छे से, या फिर वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कंपनीज़ वगैरह जा पाए और वहाँ पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह है वो सेटअप कर पाएँ। तो आने वाले टाइम में जब ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, हमारी रोडवेज़ की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद में ही यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी जल्दी ये रेलवे लाइन जो है ये बनकर तैयार हो जाए। इस रेलवे लाइन को लेकर, इस रेलवे ब्रिज को लेकर, चेनाब ब्रिज को लेकर जो भी आगे जाके अपडेट्स निकल कर आती हैं आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ में आगे जाकर भी आप लोग अगर रेलवे से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।